बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। होटल सुख सागर NH 48 नियर दहमी बहरोड, तमाम सुविधाओं से युक्त शुद्ध शाकाहारी भोजन, अनोखा स्वाद आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल लोनी घी के पराठे। आप भी चले आइए अपने परिवार के साथ होटल सुख सागर, जहां बेहतरीन क्वालिटी का खाना उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन के साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा। संपर्क करें 9991985212। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे में बीजेपी नगरपालिका पार्षद त्रिलोक चंद यादव हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 14 आरोपियों को बरी कर दिया है। बहरोड कस्बे में 2014 में दीपावली के दिन बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारकर पार्षद की हत्या कर दी थी, जिसके बाद मामला 8 साल से कोर्ट में चल रहा था। फैसले को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस दौरान पूरे मामले में अब तक 20 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिनकी आज अपर जिला एवं सेशन कोर्ट संख्या 2 में फैसला सुनाया गया। मुख्य आरोपी अशोक ठाकरिया ने आपसी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। साथ ही अशोक ठाकरिया के अलावा राजीव धांगा, सुनील लीडर, जितेंद्र उर्फ बब्बे, अमित यादव, धर्मेंद्र उर्फ लेड़ा को आजीवन कारावास के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया है। सबूत मिटाने के लिए बीजेपी पार्षद त्रिलोक की मां की हत्या की सुपारी भी मुख्य आरोपी के द्वारा दी गई थी, लेकिन गुड़गांव पुलिस की हत्या चढ़े बदमाशों ने यह सारा राज उगल दिया था। पकड़े गए बदमाशों ने पुलिस को बताया था कि मुख्य गवाह बीजेपी पार्षद त्रिलोक की मां की हत्या के लिए 50 लाख की सुपारी दी गई थी, लेकिन वारदात से पहले ही बदमाश पुलिस की हत्या चढ़ गए थे। कुल 20 लोगों के खिलाफ था, जिसमें एक बिल्कुल मफरूर है सुरेंद्र अरेस चीकू, उसको छोड़ करके बाकी 19 लोगों के खिलाफ आज न्यायालय ने डिसीजन किया, जिसमें से 6 को दोषी करार दिया है, अशोक उर्फ ठाकरिया, राजीव धांगा और सुनील लीडर, एक जितेंद्र शर्मा है जो बहरोड गए थे, एक अमित यादव खरगड़ा के, और एक धर्मेंद्र शर्मा, उनको 302/34 IPC में आजीवन कारावास की सजा दर्ज की। ये सन 2014 में दिवाली के दिन पार्षद थे यहाँ पे, त्रिलोक पार्षद, उनकी हत्या हुई थी, उसमें कल्पित थे, जिसका आज 8 साल बाद कोर्ट द्वारा फैसला न्यायालय IPC नंबर 2। राजस्थान की नंबर 1 गुरुकुल डिफेंस एकेडमी का युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए एक सराहनीय कदम। 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नौकरी की राह अब हुई आसान, जहां अनुभवी शिक्षक एवं डिजिटल क्लासरूम के साथ PCM का स्पेशल 100% गारंटी वाला बैच प्रारंभ। 3 दिन फ्री डेमो क्लासेज, खास रूप से अग्निवीर योद्धाओं के लिए NDA, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की बेहतरीन टीम द्वारा फिजिकल टेस्ट की 100% तैयारी, क्योंकि सरकारी नौकरियों का रास्ता गुरुकुल के दरवाजे से होकर गुजरता है। संचालक JP शास्त्री, मैनेजर सुभाष सक्सेना, आपके होनहारों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक अवसर, गुरुकुल डिफेंस अकेडमी, नारनौल रोड, बहरोड। अग्निवीर सफलता की है एक नई सीढ़ी, युवाओं के सफलता में सहभागी बना है न्यू रॉयल ब्रांड गणपति प्लाजा बहरोड, जहां अग्निवीर के तैयारी करने वाले योद्धाओं के लिए सेगा शूज प्लस सॉक्स पंच मात्र 399 रुपए में। इस अवसर का लाभ उठाएं और दमदार शूज के साथ अग्निवीर की तैयारी में जुट जाएं। आज ही संपर्क करें 8058-599-639। अलवर राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ लीवर कैंपेनिंग की जिला स्तरीय रैली का आयोजन किया गया। CMH ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि भारतीय संस्कृति में जिस तरीके का खान पान है, उसमें आमजन को स्वच्छता बरतनी होगी। इस मौसम में दूषित भोजन नहीं करें एवं बाहर के भोजन से परहेज करें। साफ पानी से हाथ धोकर ही भोजन पकाएं एवं खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोने के बाद ही भोजन करें। उन्होंने बताया कि इसके अलावा लीवर खराब होने के कई और कारण हैं, जिसमें असुरक्षित यौन संबंध एवं संक्रमित ब्लड चढ़ने से यह रोग फैलता है। इसी की जागरूकता के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज यह जागरूकता रैली निकाली गई। यह अभियान 4 जुलाई से 28 जुलाई तक चलेगा। राज्य सरकार की तरफ से 4 जुलाई से हेल्दी लीवर कैंपेन चलाने के लिए
निर्देश प्राप्त हुए हैं और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है वायरल हेपेटाइटिस का एलिमिनेशन करना। और वायरल हेपेटाइटिस जो जिस तरीके से भारतीय संस्कृति में और भारतीय प्रकृति में जिस तरीके से इसका इन्फेक्शन समाविष्ट है, उसके मुख्य जो दो मुख्य कारण हैं उसमें सबसे ज़्यादा घातक कारण है जो दूषित खानपान से फैलने की वजह से, और उस मुख्य कारण से हाथों की स्वच्छता नहीं होना और भोजन का साफ सुथरा जो रखरखाव है वो नहीं होना, और उसको जैसे मतलब एक तरीके से जैसे अभी इन मौसम में बरसात के मौसम में वायरल हेपेटाइटिस ए और ई के होने की ज़्यादा संभावना रहती है। वायरल हेपेटाइटिस ई विशेष रूप से प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए प्राण घातक होती है, और इन दोनों जो हेपेटाइटिस है वायरल ए हेपेटाइटिस और बी वो ई, इनको दोनों को कंट्रोल करने के लिए सबसे मुख्य जरूरी बात है एक तो बाहर के खान पान से परहेज करें, हाथ खाना ग्रहण करने से पहले अपने हाथों को अच्छे तरह साबुन से धो लें। पैराडाइज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, सेफ सिक्योर कैंपस, अपोजिट ईपीआईपी गेट, भोलड़िया नीमराना, रेन डांस, स्विमिंग, स्लाइड स्विमिंग, चिल्ड्रन पार्क, फैमिली के लिए अलग से वाटर पार्क। वाटर पार्क में फैमिली के साथ आए हैं और बहुत एंजॉयमेंट हुआ और रिजनेबल प्राइस है। आप भी अपनी बीवी बच्चों के साथ आ जाइए मस्ती के फुल मूड में। प्रोप्राइटर लालचंद रामपुरा नावदी वाले। माधव अस्पताल सर्जिकल ईएनटी डेंटल ट्रोमा एवं जच्चा बच्चा अस्पताल तमाम सुविधाओं से युक्त, जहां आरजीएचएस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं टीपीए के तहत निशुल्क ऑपरेशन व भर्ती की सुविधा। इतना ही नहीं, आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे सहित प्राइवेट व सुपर डिलक्स रूम उपलब्ध। निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र यादव, प्रशासक नरेंद्र यादव, कुंड रोड बहरोड। बहरोड क्षेत्र के माजरीकला गांव से कावड़ियों का जत्था हरिद्वार कावड़ यात्रा के लिए निकला, जिस दौरान जिला पार्षद प्रतिनिधि संजय यादव ने हरी झंडी दिखाकर कावड़ियों की यात्रा को रवाना किया। संजय यादव ने सभी कावड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए यात्रा को सावधानी पूर्वक सफल बनाने की बात कही, साथ ही बाबा भोलेनाथ से अपने क्षेत्र में अमन शांति और उन्नति के लिए कामना की। इस मौके पर राव अनीश विधानसभा अध्यक्ष, विक्की पार्षद नरेंद्र, मंजीत राज सिंह, कपिल विकास चेयरमैन, छात्र नेता यशवंत सिंह, दिनेश यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सपने देखो, मेहनत करो, हमारे संग आगे बढ़ो। क्षेत्र में युवाओं को सही राह दिखाने के लिए बेहतरीन विकल्प कारगिल डिफेंस एकेडमी कॉलेज डिग्री प्लस सरकारी नौकरी, 100 से अधिक सिलेक्शन देने वाली एकमात्र संस्थान। स्पेशल गारंटी बैच के लिए आज ही संपर्क करें, जहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस सहित तमाम सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों को किया जाता है तैयार, बात चाहे कठोर फिजिकल की हो या फिर कॉम्पिटिशन फाइट करने की। कारगिल एकेडमी नंबर 1 एकेडमी बनी हुई है। बेहतरीन भोजन की व्यवस्था, कड़ा अनुशासन, नौकरी पर फोकस, देवनगर अलवर रोड बहरोड। संचालक सजन यादव, एक्स आर्मी नेशनल एथलेटिक। आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताजतरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।